बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मुहिम का प्रदेश की योगी सरकार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने निर्देश दिया कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और अगले 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई है, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां की जाए। मुख्यमंत्री योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि गुरुवार को युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट किए। वहीं विपक्ष ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पर बृहस्पतिवार को टॉप ट्रेंड करता रहा। राजधानी लखनऊ में जगह जगह प्रदर्शन हुए। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चली और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री आवास, हजरतगंज, केसरबाग, परिवर्तन चौक, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत विभिन्न कॉलेजों व अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। कोमल पंजाब केसरी स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।